अबे जी स्पाइडरमैन भाई तेरे ऐसा नहीं लग रहा कि उल्टा खड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ा अजीब सा ही लग रहा। नहीं नहीं, जिस स्टाइल से ये चड्डी वगैरह पहना हुआ है ना मेरे। अच्छा बैक साइड उधर है यार तू। भाई टिकट नहीं है, मंगलसूत्र और वो बैठी सास, देख ले भाई वो सास बैठी हुई है। अरे भाई तो की हाल चाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने दोस्त सजल के संग जाने वाला हूँ पंचतन पार्क। वो आने वाला है मुझे अभी कुछ देर में लेने। अभी टाइम बज रहा है 6 बज गए, राइट 6 बज गए। वो मुझे कम से कम 6:30 7 तक लेने आएगा, 6:45 तक। फिर हम लोग पंचतंत्र पार्क जाएंगे और वहाँ का व्लॉग बनाएंगे। वही सजल जो मेरे साथ वहाँ पीताम्बरा मंदिर भी गया था, उस वाले व्लॉग आप देखना चाहो देख सकते हो। और मेले वाला जो समर मेला लगा था वहाँ पे भी सजल मेरे साथ गया था। अगर आपने व्लॉग वाला नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप देख लेना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? भाई स्पाइडरमैन को देख सजा भाई। अबे जी स्पाइडरमैन भाई तेरे ऐसा नहीं लग रहा कि उल्टा खड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ा अजीब सा ही लग रहा। नहीं नहीं, जिस स्टाइल से ये चड्डी वगैरह पहना हुआ है ना मेरे। अच्छा बैक साइड उधर है यार तू। मेरे को लग रहा था ये। अच्छा एक चीज बताओ, जे स्पाइडरमैन कब से चड्डी पहनने लगा? ऐसा सुपरमैन पहनता था पेंट के ऊपर। भाई मेरे को तो ये भी लग रहा है कि स्पाइडरमैन इतना हेल्दी कैसे हो गया। हाँ स्पाइडरमैन तो भाई जितने तीनों देखे अपन को पतले सुखड़े, इतना जितने भी सारे सुखड़े हुए सुखड़े बिल्कुल टड्डी जैसे लगे। सुपरमैन तो भयंकर लग रहा है, तो मारवा डालेगा अंदर। मेरे को लग रहा है कि यही कहेगा तो थॉर को यही मारने वाला है। अरे बहुत खतरनाक है, पता नहीं कौन तो यूनिवर्स का है, क्यों है ना पता नहीं। चल लेके जो 3 यूनिवर्स के देखे वो तो सब टड्डी थे। अरे बहुत यूनिवर्स। चलो टिकट ले लें। कितने रुपए का टिकट है? हाँ मिल गया टिकट भाई। टिकट नहीं है, मंगलसूत्र और वो बैठी सास, देख ले भाई वो सास बैठी हुई है। अरे भाई चलो आ जाओ भाई, चलो भाई अंदर। मार दोगे? लला तो आते हैं। हाँ भाई आ गए भाई, अंदर तो आ गए। झूले पे झूलोगे यार? भाई मेरा फेवरेट साबू का है यार, मेरे को साबू से मिलना है। जी की है ये जो भी हो, लेकिन है कोई मैं डरा दी एक पल को मैंने, कहा ये कौन बैठा पेड़ पे, भालू है ये क्या? भाई मैं आ रहा हूँ कम से कम, मैं रहता तो वाले से झांसी में हूँ, लेकिन मैं झांसी में रहने के बाद भी पंचतंत्र पार्क में मैं आया हूँ 12 से 15 साल के बाद आया हूँ आज। हम पिछले साल आए थे। मैं बहुत चेंज हुआ भाई इधर। अरे यार अंधेरे में भाई लाइट वाइट भी कम जली हुई है। कोई बात नहीं, चड्डा की चड्डी फाड़ेंगे। दिन में आना चाहिए था, नहीं रात में भी सही है। दिन में छोड़ो चड्डा पे तो चड्डी फाड़ेंगे रात में। अरे पर ये डरा के जैसे हॉरर ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने। अरे भाई हाँ मेले वाले में ना, मेले वाले में जैसे चड्डा की चड्डी पड़ी थी, आज यहाँ पटेगी। अच्छा बेटा जवाब दो। अबे यार क्या चड्डा जी आपके हद करते हो, 10 रुपए में क्या पंचतंत्र पार्क वालों की जान लोगे? जवाब नहीं दे रहे भाई यार, कचरे का डिब्बा तो क्या होता है? कचरे का डिब्बा आपके घर का बोलता होगा, यहाँ का नहीं। चलिए अब भाई सजल भाई। हाँ भाई। ये बंदर मगरमच्छ की ऊपर कैसे बैठ गया? अरे वो जो कहानी सुनाते थे ना पहले, मगरमच्छ के ऊपर बंदर बैठ के जाता था, वो मगरमच्छ की जो बीवी थी वो दिल खाना चाह रही थी, वो मीठा मीठा वाला जामुन के पेड़ वाला। मैं बैठ गया मुझे काटेगा तो नहीं? भाई तू बैठ गया तो फिर दिखेगा नहीं, फिर इसलिए मत बैठ। इतनी छोटी पूंछ मन कर रहा, पूंछ तो उठा के ऐसे ऐसे हवा में उठा के फेंक दो ऐसे। भाई पूंछ छोड़ पहले तो एक कहानी नहीं है बेचारे का। चलो दूसरे डायनासोर दिखाते हैं। चलो डायनासोर के संग में मस्ती कर लें। हाँ सजल भाई कहाँ झूला? चलो भाई काट सकते हैं। नहीं क्या कर रहे? सच्चा तो सीधी रास्ते से चले हूँ, बेहतर है। चलो वहाँ से जाओगे? हाँ भाई बहुत टाइम के बाद गए, लेकिन आज चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो टाइम के बाद आए ना, बचपन याद करोगे क्या? हाँ भाई गंदा रहता वहाँ पे, पड़ी रहती। मेरे को ये लग रहा है पैंट में पड़ जाने। भाई यही मजा है, कोई नहीं है पार्क में। अपन अलग अपन अपने अलग ही मजे कर रहे, कोई है ही नहीं पार्क में। भाई पूरा पार्क खाली पड़ा हुआ है। भाई इसकी नाक बहुत बड़ी है ना भाई, वो नहीं होता भोपू ऐसे भोतू
भोपू वो नहीं करते आइसक्रीम वाला, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं लग रहा भोपू बेचारा के, वो बोला भोपू करते करते किसी ने इसकी नाक ही तोड़ दी है, बेचारा बहुत दुख में खड़ा हुआ है, हाथ मतलब क्या कहते हैं आंसू वगैरह भी आ रहे हैं, हाथ वगैरह पीछे करके खड़ा हुआ है, नाक तोड़ दी किसी ने यार। हाँ यार एक आची तो टूटी होगी, और देखा चलो जे हाथी चड्डा जी के छोटे भाई हाथी, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, करना क्या चाह रहे हो? मालूम नहीं भाई तेरा वजन शायद झेल ना पाई है, बहुत पुरानी है। आ जा भाई, देख तू उसे फिट तक नहीं हो रहा, ये बंदा फिट तक नहीं हो रहा उसमें, फिर भी भाई मेरे को वैसे बिल्कुल डर नहीं लगा, पता एक बार डायनासोर पे जाके देख लियो तेरे को पता चल जाएगा। नहीं हमें गंदगी होती है, हमें तो मैं इसलिए भेजा था, मैं क्या देख तुम चेक कर लो गंदगी है तो नहीं, सबसे बड़ी गंदगी तो तू है धरती पे। चल चल वहां पे आ जा, चल डायनासोरस, डायनासोरस एक भी नहीं है इधर, पेगासस एक घोड़ा है भाई। इस बंदे को ये चीज राइनोसोरस दिख रही है। सजल भाई, हाँ भाई, ये कौन सा एनिमल है बताओ जरा भाई, मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा ये है कौन सा, लेकिन तेरे जैसे तेरी प्रजाति का लग रहा है बस मेरे को तो ये। अच्छा इसका मतलब बहुत मजबूत और ताकतवर है, थैंक यू भाई बताने के लिए। वो ताकतवर नहीं, ये मोटा है तू भी मोटा, तू भी बहुत खाता है ये भी बहुत खाता है, तो सीन भी भाई एक बार उठा के पटक देगा मर जाएगा इंसान भाई। पहले बात तो क्या कहते हैं ये किसी के पास जाएगा नहीं, ठीक है, और तू सबके पास जाता रहता है और ये जाएगा नहीं किसी के पास। क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले अच्छे बताओ इसका नाम क्या है ना सोरा से। अरे जो भी नाम हो यार अपन को क्या करना है। अच्छा हाँ वैसे मुझे नाम कंफर्म नहीं, किसी को ऑडियंस को पता हो तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा है। हाँ एक और दिखाएं। चलो भाई ये अपना कंगारू भैया, जिराफ, बहुत लंबा है ना गर्दन है इसकी, मतलब कई लोग की जितनी हाइट होती है उतनी इसकी गर्दन है भाई। तू क्या कहते ऑडियंस को क्या बताना चाह रहा है, ऑडियंस को मालूम है ये जिराफ, फिर भी तू उसके क्लोजअप लेके गया जिराफ है ये भाई, क्या करना चाह तो रहा है? कंटेंट तो बनाना है ना भाई। भाई कंटेंट के नाम पे क्या तुम लोगों को ये दिखाओगे कि ये जिराफ है ये वो है भाई, मालूम है यार लोगों को, हम तो फिर भी दिखाएंगे। हाँ भाई दिखाता रहे टाइगर भाई बहुत खतम, बताओ हिंदी नाम बताओ टाइगर का, बताओ हिंदी नाम बताओ। बाघ है शायद, याद अच्छा नहीं, कई लोग शेर कहते ना, शेर लायन होता है, शेर नहीं है बाघ है, तो वही कह रहे जो इसको शेर बोलते है वो ढक्कन है। ऐसा नहीं बोलो, क्यों ऑफेंड कराओगे लोगों को, जाइए सजल अग्रवाल है, गलत नाम ले रहे हैं, हैशटैग बॉयकॉट सजल अग्रवाल। हाँ सजल भाई अब कहाँ चले, ये क्या है भाई, भाई यार ये टार्जन है, टार्जन लग रहा है मेरे को, टार्जन छोड़ टार्जन के पीछे जो है ना वो रात में किसी को भी डरा देगा, अगर अंधेरा हो तो मैं नहीं डरा देगा, मैं नहीं डरा। अरे तू नहीं डरा लेकिन भाई ये अच्छे अच्छों को डरा देगा ना, रात में लाइट ना जल रही हो एकदम से ये चीज दिख जाए किसी। अरे अरे यार पहले अपन 5 बजे आने वाले थे, क्यों भाई बात तो तूने वो सन्नाटा है, गाड़ी वगैरह थी नहीं, नहीं तो फिर आप लोगों को और मजा आता, हम लोग गाड़ी थी नहीं। हाँ 7:30 पे आ गए अपन, चलो कोई नहीं, यहाँ पहले यहाँ पे भाई वो बंद है, यहाँ पे होता क्या है भाई, पहले स्विमिंग, ये है स्विमिंग पूल बढ़िया। अच्छा स्विमिंग पूल है ना ये, बहुत टाइम पहले आया था, अच्छा खासा सन्नाटा है। हाँ पानी साफ भी करते रहते, अच्छा है मेरे ख्याल, ज्यादा प्राइस हाई नहीं है, कितना पता नहीं 100-150 150-180 के आसपास से मुझे पता नहीं, याद नहीं है। सजल भाई यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, अपन कहाँ घूमे? कुछ नहीं भाई, अपन पंचतर पार के दूसरी साइड जा रहे हैं, अब तो देख के दूसरी साइड कुछ ना कोई, ना कोई तो एक आध लोग तो मिल जाए यार। तो अरे बता पहले तो मिलेगा तो करोगे क्या सर, तुम जानते तो हो नहीं भाई, करेंगे कुछ नहीं लेकिन हाँ एक वो मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, चलो ठीक है, हम दोनों के अलावा कोई और भी तो है पंचतर पार्क में। टाइम पे आने का मतलब है कि कहते हैं थोड़ा बहुत डर लगना, क्योंकि भले से लाइट वगैरह जल रही है, अब ये पार्क वगैरह तो पंछी वगैरह अगर यहाँ पे दिख गया। अरे भाई तुम हो साथ में, तुम्हें डर नहीं लग रहा ना, ऐसे नहीं है अंधेरे में, मैं नहीं जा रहा हूँ। आजा आजा आया, अरे यार मैं कुछ भूल, यहाँ पे बहुत सारे और भी थे यार, पुतले पीछे नहीं, यहाँ शेर भी था एक, तो रेलगाड़ी तो मिली गई, रेलगाड़ी का नहीं चलने वाली भाई, दो लोगों में क्या चलाएंगे, हाँ मैं बैठना भी नहीं मेरे को, बैठने बैठ सकते चलेगी क्या, पूछे वो नहीं चलेगी, ये है भाई लायन, इसको कहते शेर, हाँ ये कह रहा शेर, उसको कहते बाघ, इसको कहते शेर, फिर अपना आ तुम्हें यहाँ फोटो खींच दे, हमें भी खिंचवानी, क्योंकि हमें तो खिंचवानी, आ जाओ खींचो यार भाई। लायन की क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं केपर, डॉन कहते हैं कि डॉन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हेलो बेटा, बेटा अगर उसने सही में अगर उसने हेलो कर दिया तो हेलो करने लायक नहीं रहेगा, पुतला है ना असली के पास, समझाएंगे नहीं तुम्हें लग रहा है, असली वाला शेर हमारे सामने होगा हम उसके पास जाएंगे।
रहे हो तो? नहीं भाई, मैं तो क्या कहते ब्लॉग बना रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। पहले फोटो ले दे यार। अरे ठीक है यार। अरे अंकल सब्सक्राइब कर रहे चैनल को? सजल भाई तुम मानोगे नहीं, अरे लोग के यूट्यूब वीडियोस वगैरह आएगा और शॉर्ट्स वगैरह भी है, आपको क्या कहते हैं मतलब ये देख के एंटरटेनमेंट होता रहेगा। तो अभी लगता है बंद हो रहा क्या पार्क? बंद हो रहा ना पार्क? बंद हो रहा। अपन थोड़ा और शूट कर ले, चल रहा है अपन को। अब कुछ नहीं, संडे को आएंगे अपन 10 बजे से 6 बजे तक। अंकल ने कह दिया स्विमिंग पूल 10 से 6 है अंकल, है ना स्विमिंग पूल का टाइम तो 10 से 6 है और 150 रुपए टिकट है ना। सही है, दो लोग के लिए भाई 300 लगेंगे अपने, है ना। चले चलो चलो। अच्छा शिवम भाई अपन बताओ यार कहाँ चले आप? बंद हो रहा। थंबनेल के लिए तो फोटो ले ली अपन शेर के पास। थंबनेल की तो हुई है शेर। अच्छा चले चलो, इतना ही था। तो बताओ क्या करें बाकी क्या भाई? आप तो ये देखो अंकल से थोड़ी बहुत बात, तेज बोल। अंकल के संग में थोड़ी बहुत बातचीत करके व्यवहार ऐसे बन गया। अब अंकल कह रहे बेटा यहाँ से चलो आराम से पहुंच जाओगे क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह बंद। अंकल ही बोल रहे थे कि वैसे सबके लिए 150 रुपए में टिकट में 1-1.5 घंटा स्विमिंग पूल। अब व्यवहार के ऊपर है, तुम लोग 2-3 दिन बैठा लेंगे तुम लोग पूरा, तो ऐसे व्यवहार बनाते चलो भाई। और क्या अंकल बैठा लेंगे। अब देखो अंकल ने कहा है कि उस साइड से थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह आएगा, थोड़ा दिक्कत वगैरह, इस वजह से यहाँ से चले आओ बेटा तुम लोग। और क्या। हाँ और जब ये वाला ये ट्रेन वगैरह चलती है ना, हाँ? तो ये वाला वाला कहानी वगैरह बचपन में सुनते थे, क्या कहते हैं वो शेर जो कुएं में देख के वो कूद गया था। हाँ? ये वाला स्टोरी वो दिखाया गया यहाँ पे है। और यहाँ पे अपना सजल भाई वेजिटेरियन एक्सप्रेस भी है। अंकल आपने नाम बता दीजिए। यशवंत सिंह। यहाँ पे क्या क्या मिलता है वैसे? यहाँ पे सारा वेज है, तंदूरी मोमोज, सब कोल्ड ड्रिंक मतलब सब। अच्छा सोया चाप तंदूरी मोमोज है ना भाई? सुनिए पंचतंत्र पार्क में जितने भी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मतलब पंचतंत्र पार्क अंदर घूम के आओगे, यहाँ पर खाना खाओगे आप लोग, क्यूश अड्डा का नाम लोगे, डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। अंकल से बात कर लो। वैसे क्या कहते हैं, मैंने यहाँ का खाया भी चाप बहुत बार खा चुका मैंने ऑनलाइन, आप जोमेटो इन सब पे भी हो ना स्विगी पे, मैंने ऑर्डर बहुत बार किया, चाप मैंने खाई अच्छी रहती। हाँ तो ये वेजिटेरियन एक्सप्रेस के नाम से, अगर आप यहाँ पे पार्क में घूम रहे हो आपको भूख लगे तो यहाँ पे आके खा भी सकते हैं जो भी आपको वेज खाना हो। तो गाइस अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर करो, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना हो वो डायनासोरस का कौन सा जानवर था वो कमेंट करके बताना, और आपको यहाँ पे कुछ खाना तो खा भी सकते हो।